नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करेंगे 18 इंच और 21 इंच स्पीकर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा स्पीकर चुनना चाहिए। ये सवाल हमारे काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी बार पूछा है, इसलिए आज इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें आसानी से देख पाए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लीजिए कि साइज़ क्या मैटर करता है। तो साइज़ में समझ लीजिए कि जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा उतना बास की जो फ्रिक्वेंसीज है, लो फ्रिक्वेंसी, उनके लिए सपोर्ट बढ़ता जाएगा। वो स्पीकर उस फ्रिक्वेंसीज के लिए सपोर्टिव बनेगा। यानी कि अगर 18 इंच का स्पीकर है तो उसमें जितना बास बजेगा उतना 15 इंच में नहीं बज सकता। साथ ही 15 इंच में जितना बास हमें मिलेगा उतना 12 इंच में नहीं मिल सकता। इस तरह से समझ लीजिए कि बास फ्रिक्वेंसीज के लिए साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतना अच्छा है। यही बात है फुल रेंज स्पीकर के बारे में। फुल रेंज स्पीकर जितना छोटा होता जाता है यानी अपर मिड के फ्रिक्वेंसीज के लिए उतना अच्छा हो जाता है। इसीलिए काफ़ी बड़े कैबिनेट जो बड़े बड़े ब्रांड की तरफ से काफ़ी कैबिनेट जो आते हैं उनमें हमें 6 इंच या 5 इंच वाले स्पीकर दिखाई देते हैं जो काफ़ी छोटे स्पीकर होते हैं। उनका अप्रॉक्स 1 इंच वॉइस कॉइल या उससे भी किसी स्पीकर में कम मिल सकता है। इतने छोटे स्पीकर के साथ वो अपने कैबिनेट्स बनाते हैं टॉप के, और जो काफ़ी महंगे बिकते हैं। ये इसलिए होता है कि जो अपर मिड फ्रिक्वेंसीज है उसका थ्रो दूर तक जाता है छोटे स्पीकर्स के माध्यम से, और उसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए वो अलग स्पीकर यूज़ करते हैं 12 इंच के या 15 इंच के। इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हम 18 इंच और 21 इंच में कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें भी सेम यही बात है। तो यहाँ पर हमें 18 इंच में जो बास के लिए सपोर्ट मिलेगा बास फ्रिक्वेंसीज के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बास फ्रिक्वेंसीज के लिए 21 इंच में मिलेगा। बाकी बातें तो हम देखने वाले हैं आगे। अब जैसे कि हमने देखा कि बिगर साइज बेस्ट फॉर बेस, बेस साउंड के लिए बड़ा साइज ठीक है, लेकिन बड़े साइज का एडवांटेज क्या है, क्यों ये बास के लिए सपोर्टिव बनता जाता है? तो इसका मैटर है कि उसमें मैग्नेट भी बड़ा आ सकता है, साथ ही वॉइस कॉइल बड़ा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो बड़े साइज के साथ हो सकती है, इसीलिए बड़ा साइज बेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर ज़्यादा बेस चाहते हैं 18 इंच के कंपैरिजन में तो आपको 21 इंच में मिलेगा। अब बेस ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब ये है कि उसमें जो पंची साउंड होता है, साउंड का जो पंच होता है वो कम होता जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा 18 इंच से, लेकिन इसे आप 15 इंच के टॉप यूज़ करके कवर कर सकते हो। लेकिन वहीं पर दूसरा पॉइंट है जहां पर 21 इंच काफ़ी आगे चला जाता है 18 इंच से, वो है वाइब्रेशन का। 21 इंच में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगा जो कि आपको 18 इंच में कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी वक्त दूसरी एक बात है कि अगर हम लाइव के लिए सेटअप लगाते हैं, 50% अगर आप प्रोग्राम लाइव के करते हो या आप काफ़ी बार लाइव के प्रोग्राम में उस सेटअप को यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए 21 इंच सुटेबल नहीं है, आपको 18 इंच ही मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट होता है 21 इंच का, वो है थ्रो के बारे में, यानी उसका वाइब्रेशन का जो थ्रो है वो 18 इंच का थोड़ा दूर तक जाएगा, थोड़ा कम वाइब्रेशन होगा लेकिन थ्रो थोड़ा दूर तक जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में 21 इंच का थोड़ा शॉर्ट थ्रो होगा। लेकिन ये किस सिचुएशन में, अगर हम सेम वैटेज का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, समझ लीजिए कि 1500 वैट का स्पीकर है 18 इंच में भी और 21 इंच में भी, तो 21 इंच में हमें वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेगा लेकिन उसका ये जो थ्रो होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, और 18 इंच में हमें थोड़ा कम वाइब्रेशन मिलेगा लेकिन थोड़ी ज़्यादा दूरी तक मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है। और एक बात है कि रिकोनिंग के मामले में, यानी स्पीकर आपका जब जल जाता है या उसका पेपर कोन ख़राब हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको रिकोनिंग करना पड़ता है, उसे रिपेयर करना पड़ता है, तो 18 इंच तक काफ़ी बजट में स्पीकर रिपेयर होते हैं, यानी अराउंड 2000। लेकिन इसके अलावा जो बड़े साइज है 21 इंच या उससे ज़्यादा के, यानी कि अब 24 इंच में भी स्पीकर मिलने लगे इसलिए बोल रहा हूँ, तो उनका जो रिकोनिंग का खर्चा है वो काफ़ी बड़ा है, यानी करीबन दुगना खर्चा है 18 इंच से अगर हम कंपेयर करें तो। अगर आप स्पेशली डीजे के लिए यूज़ करते हो तो आप 21 इंच स्पीकर ज़रूर सुनिए,
लेकिन ये भी बात का ध्यान करें, ख्याल रखें कि आपको पहले कोई ना कोई एक्सपीरियंस डीजे बिजनेस में होना चाहिए। अगर पहले से आपके पास सेटअप है 18 इंच का और आप बिल्कुल सही से वो सेटअप रन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल 21 इंच का स्पीकर चुन सकते हैं। डायरेक्टली आप नए इस बिजनेस में आ रहे हो तो 21 इंच का स्पीकर ना चुने। उसका कारण ये है कि आप जब नए बिजनेस में आएंगे, 21 इंच वाला स्पीकर चुनेंगे, तो हो सकता है कि आपके ऑपरेटिंग में जो मिस्टेक्स होगी उस वजह से वो स्पीकर जले और आपको बार बार उस पर खर्चा करने के लिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी थोड़ा बताया कि आप ज़रा भी अगर लाइव के लिए सोचते हैं, आपका सेटअप आपको कभी कभार लाइव में यूज करना है, तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए 21 इंच के बारे में, आपको 18 इंच ही सही रहेगा। और उसमें भी अगर आप 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले ही स्पीकर चुनते हैं तो वो काफ़ी परफेक्ट रहेगा आपको हर जगह यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं कि आपको कौन सा स्पीकर चुनना चाहिए, ये आप ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट ध्यान से सुनकर चूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको बास काफ़ी तगड़ा मिलेगा 21 इंच में, लेकिन आप लाइव के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, साथ ही उसका रिकॉर्डिंग का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ डीजे के लिए यूज़ करते हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप 21 इंच चुने, आपको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।